पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। भारत चीन सीमा पर विवाद के बाद जवानों के साथ हुई घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल पूछा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने पूछा था कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वहीं अब सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इतनी बार चीन यात्रा करने के बाद भी ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि चीन से प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता का क्या परिणाम निकला। ओवैसी ने कहा कि पिछले 6 साल में चीन के साथ प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत हुई, इसके बावजूद चीन ने गलवान घाटी में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ओवैसी ने ट्वीट करके सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने ट्वीट किया, पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री ने अपने चीनी समकक्ष के साथ 18 बार बातचीत की। उन्होंने कटाक्ष किया, प्रधानमंत्री की वार्ता का क्या परिणाम निकला। चीन गलवान घाटी में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं। अब इसका एकमात्र उत्तर है हमारे क्षेत्र को वापस लेना। ओवैसी का ट्वीट लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों के साथ हुई घटना के बाद सामने आया है। आपको बता दें कि 15 से 16 जून को लद्दाख के पूर्वी हिस्से में दोनों देशों की सीमाओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 20 जवान शहादत को प्राप्त हो गए थे। इस घटना के बाद देश में चीन के खिलाफ लोगों में रोष देखने को मिला। कुछ राज्यों में चीनी सामान के बहिष्कार के लिए लोग एकजुट होने लगे। देश में लोगों ने पूरी तरह से चीनी सामानों के इस्तेमाल को रोकने की मांग की। जवानों के साथ हुई घटना के बाद राहुल गांधी ने भी अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया। कांग्रेस की तरफ से राज्यों की इकाई को इस बारे में संदेश भी दे दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने 19 जून को चीन सीमा विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक करने की बात कही है। हालांकि इसमें भी सभी दलों को न्योता नहीं देने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया है, जिससे पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नाराजगी जाहिर की। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।